नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ बिहार पारा मेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म 2024। जो भी कैंडिडेट अभी इंतजार कर रहे थे कि कब से उनका पारा मेडिकल का फॉर्म आएगा, जो कि पीई के नाम से, पीई हो जाता है आपको पारा मेडिकल एंट्रेंस, पीएम हो जाता है, ठीक है, और पीएमएम करके आ जाता है एंट्रेंस एग्जाम डेट, ठीक है। तो ये जो कैंडिडेट है, जो भी आपको पारा मेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म का इंतजार कर रहे थे, वैसे कैंडिडेट जो फॉर्म भरना चाहते थे, उनको ये मैं बताने जा रहा हूँ आज की, उसका जो एप्लीकेशन डेट है वो अब आप जो है 12 अप्रैल 2024 से ये अप्लाई चालू हो चुका है। और जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भरना चाहते हैं वो अब भर सकते हैं, क्योंकि इसका डेट आज से स्टार्ट हो गया है। और इसमें जो पेमेंट कटेगा, जनरल ओबीसी कैंडिडेट जो है उनको 750 रुपए पेमेंट कटेगा, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो है उनको 480 रुपीज कटेगा, ठीक है। और अप्लीकेशन में अगर दो कोर्स अगर एक साथ अप्लाई करते हैं तो आपको फी अप्लीकेशन कैंडिडेट कैटेगरी जिस तरह से हो जाता है ना, दो सब्जेक्ट हो गया तो आपको 850 हो जाएगा वही चीज का, और एससी एसटी जो कैंडिडेट है उनको जाएगा 530 रुपीज, ठीक है। अप्लीकेशन का अगर ऑल द कोर्स आप अप्लाई करते हैं, पीई और पीएम और पीएमएम तीनों करते हैं, तो आपका कॉस्ट हो जाता है 950 रुपया और एससी एसटी को हो जाता है 630 रुपया। तो जो भी कैंडिडेट इसको फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका अगर इंतजार करें आप, तो ये देख सकते हैं कि आप किस टाइप के कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। इसमें जो रिक्वायर्ड एज लिमिट है वो आपको 15 ईयर्स दिया गया है, और मैक्सिमम एज जो इसका है वो 13 ईयर्स दिया गया, ठीक है। और इसमें जो आपको एक स्टेप बाय स्टेप अगर मैं समझाऊं आपको, तो पीई के लिए कोई लिमिट नहीं है, 4 पीएमएम के लिए लिमिट है 15 से 13 ईयर्स, 4 पीएम के लिए क्या लिमिट है 17 से 35 ईयर्स, इस टाइप से इसका डेट दे दिया गया दोस्तों। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो देखिए मैं इस प्रकार का जो नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूं कि इसका जो डेट है वो 12 अप्रैल को आ चुका है, और इसका लास्ट डेट आपको 11 मई 2024 तक रहेगा। और किसी कारण से कुछ गलती हो जाता है, करेक्शन अगर करना है, तो वो आपको 16 से लेकर 18 मई 2024 तक रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भरना चाहते हैं वो आराम से भर सकते हैं, क्योंकि इसका सब कुछ डेट क्लियर दे दिया गया है। इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको 13 जून 2024 तक आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो एंट्रेंस का जो रिजल्ट होगा, ठीक है, एंट्रेंस का जो डेट होगा पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का डेट 2024 में, वो आपको 22 जून, मतलब पहले तो एडमिट कार्ड आएगा, फिर उसका 22 जून को इसका जो है ये भी आ जाएगा, मतलब आपको एग्जाम का डेट भी क्लियर कर देगा। एडमिट कार्ड तो 13 को आ जाएगा, और आपको जून में 22 जून तक आपको डेट क्लियर कर देगा कि आपका जो एग्जाम का डेट है वो कौन सा डेट में, ठीक है। और इसके बाद आपका जो प्रोविजनल राउंड सीट रिजल्ट ये सब जो है वो सब अभी अनाउंस नहीं किया गया कि ये कब तक आ जाएगा। तो मानिए दोस्तों, जब भी एग्जाम हो जाता है तो 1 से 1.5 महीना 2 महीना में इसका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस टाइप का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर लीजिए, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सके। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में बता दूंगा, और अगर आप लोग को नई नोटिफिकेशन आता रहे तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसका वीडियो पता चलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।